कनाडा के प्रधानमंत्री ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया, बहुत सारे लोगों को अंदर डाल दिया और वो लोग को सड़ाएंगे 6-6 महीना 1-1 साल। तो जब लीडर लोग अंदर घुस जाते हैं तो आंदोलन वैसे ख़त्म हो जाता है। चलो कनाडा के लोग थोड़े एजुकेटेड हैं तो ये जो चीज़ चल रहा है, ये इवेंट काफ़ी प्लानिंग के साथ किया है और ये लोग को मालूम है ऐसा प्रोटेस्ट ब्रिटेस्ट होगा और ये स्टेप्स लेंगे। कनाडा का प्रधानमंत्री इतना अत्याचार कर रहा है लेकिन किसी भी देश का लीडर ने उसको टोका नहीं, मतलब गलत बोला नहीं, क्योंकि वो कोरोना रिलेटेड था। इधर का किसान आंदोलन को सब लोग ने, सारा देश ने अपोज मतलब सपोर्ट किया, सरकार को अगेंस्ट बोला क्योंकि वो कोरोना रिलेटेड नहीं था। तो जो भी कोरोना रिलेटेड है, प्रो कोरोना इज गुड, एंटी कोरोना सब सरकार एक साथ हो जाती है। ये इवेंट काफ़ी प्लानिंग किया हुआ इवेंट है और ये पुराने तरीके से सॉल्व नहीं होगा जो प्रोटेस्ट। चलो ये लोग अभी अपना चाय वाले ने मैंडेट्स कम किया, इधर रिस्ट्रिक्शंस कम किया क्योंकि कनाडा में लोचा चालू है, तो ये लोग नहीं चाहते कि सब जगह वैसा लोचा फैले। तो जैसे अपोज होगा ये लोग पीछे हटेंगे और मौका मिला लागू कर देंगे। और ये धीरे धीरे वैक्सीन सर्टिफिकेट बैंक अकाउंट के साथ भी लिंक होगा, और फिर जैसा आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं था, फिर अचानक आधार कार्ड सबमिट करना पड़ा बैंक को, तो आधार कार्ड लिंक हो गया, सबका अभी कंपलसरी है, हर एक चीज़ के लिए कंपलसरी है। वैसा ही वैक्सीन आईडी, डीमैट, बैंक अकाउंट सबके लिए लगेगा। और ये धीरे धीरे रूल्स अप्लाई करेंगे, बैंक कल अचानक बोल देगी वैक्सीन सर्टिफिकेट डालो बैंक डिटेल्स में, नहीं तो बैंक तो अपने लोग कोर्ट कचहरी जाएंगे, वो लटका रहेगा। और ये लागू इम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि लोग वैक्सीन लेके फिर अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट डालेंगे, लोग ऐसा सोचेंगे नहीं कि अरे ये अपन गुलामी की तरफ जा रहे, लोग को अपना काम आगे बढ़ाने का रहता है। तो अटक गया इधर, बैंक अकाउंट चल नहीं रहा है, वैक्सीन सर्टिफिकेट मांग रहे तो दे देंगे, और ऐसा कर करके सब जगह वो लागू होगा। देखो कोरोना कितना इम्पोर्टेंट है सरकार के लिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट कितना इम्पोर्टेंट है सरकार के लिए, सब लोग वैक्सीन लेना ही मांगता है, कितना इम्पोर्टेंट है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार को लोगों की चिंता है। और तुम टाइम टू टाइम वैक्सीन लो, इसके लिए सरकार उस पर नज़र रखेगी, और अगर तुमने वैक्सीन नहीं लिया तो बैंक नहीं चलेगा। अभी अवेयरनेस आ रहा है, लोग बैंक से पैसा निकाल रहे हैं कनाडा के, क्रिप्टो में डाल रहे हैं, पर इधर क्रिप्टो का मार्केट भी डाउन हो गया है। तो एक्चुअली अपन एक ट्रांजिशन फेज पे है, सब कुछ चेंज होगा, या तो अपन कंप्लीटली गुलाम होने वाले हैं या फिर ये चाय वाला अंदर बैठेगा।